विकास शुरू करता है कारण क्या? 100 साल पहले हम निसर्ग के काफी नजदीक रहा करते थे, अभी सडनली ये इंडस्ट्रियल एरा के बाद शहरों की निर्मिति हो गई। उस शहरों को बचाए रखने के लिए हमने पूरा डिजाइन उसके अनुसार करते गए। तो बीमारियां तो तुझे आनी है, बीमारियां आनी है तो भी दवाइयां खानी है। एंड वी हैव स्टार्टेड अज्यूमिंग दैट दिस इज अ लाइफ। जो मैं अभी कहना चाहता हूँ, दिस इज नॉट अ लाइफ। ऐसे जो आपके भौतिक दुनिया में कहते हैं वो MBBS MS सर्जन हुआ करता था, अभी था बोलता हूँ बिकॉज वो प्रैक्टिस अब मैंने छोड़ दी। फिर 25 साल तक अस्पताल भी चलाया। सो आई टुक एन डिसीजन जस्ट लीव द सिटी एंड लीव एज क्लोज टू द नेचर एज पॉसिबल। निसर्ग में आने के बाद काफ़ी सारे इंसाइट्स आने लगते हैं। उसमें का एक इंसाइट आने लगा, ये बैंडेड ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम। एलोपैथी में तो जो मुझे सिखाया गया, मैं एक भी पेशेंट को ठीक नहीं करता हूँ। सिंपल सर्दी आपको क्यों होती है हमें मालूम नहीं है, आपकी प्रतिकार शक्ति कम हो रही है हमें मालूम नहीं है। फिर निसर्ग के पास जाने के बाद मैंने खुद में बदलाव देखे, मेरे पूरे परिवार में बदलाव देखे। ये कुछ दवाखाना नहीं है, क्लिनिक नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पे जीवन शैली विषयक मार्गदर्शन किया जाता है। एक्चुअली मैंने ये कोर्स पहले 3-4 महीने पहले किया था और 2 महीने के बाद मेरे सारे ब्लड रिपोर्ट जो बॉर्डर लाइन कोलेस्ट्रॉल था वो सब चला गया। यहाँ से काफ़ी अच्छी लाइफस्टाइल मिली। सबसे पहला तो मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्यों खाना है, किस टाइम पे खाना है, वो बहुत सिंपल फॉलो टेक्निक्स थे, वो हमेशा साथ में रहा। इम्यूनिटी के रिलेटेड कुछ टेक्निक्स मिले और दवाइयाँ नहीं लेने के बावजूद कैसे वाइब्रेंट और हेल्दी लाइफ जिया जा सकता है। ऑल्सो मैं अपने आप से कनेक्ट हुआ और नेचर से कनेक्ट हुआ। हमारा दिन सुबह 5:30-5:30 बजे चालू होता है, लोग तैयार होके 6 बजे आते हैं। 6 बजे उनको एक ग्रीन जूस दिया जाता है जो लोकल हर्ब से बनाया जाता है, वो कैसे बनाया गया उसकी रेसिपी उनको दी जाती है, तो वो चीज़ घर जाके कंटिन्यू कर सकते हैं। ग्रीन जूस के बाद हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में हम अलग अलग प्रकार के करते हैं, हमारे पास 4 दिन रहते हैं, तो कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेचिंग के, फ्लेक्सिबिलिटी के एक्सरसाइजेस, तो ये अलग अलग एक्सरसाइजेस हम लेते हैं। नाश्ते के बाद हमारा थेरी सेशन 10 बजे चालू होता है। थेरी सेशंस हर रोज अलग अलग रहते हैं। थेरी सेशंस का मेन फोकस रहता है लोगों की क्वेरीज सॉल्व करना, कि हर एक चीज़ ये क्यों करनी है, हम जो दिन भर कर रहे हैं वो चीज़ें क्यों कर रहे हैं, उसका जवाब देना उनको। इसमें अल्कलाइन लाइफस्टाइल, शिवाम्भु चिकित्सा, दवाई क्यों नहीं खानी है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, पानी के बारे में सेशन होता है, प्रोबायोटिक ड्रिंक्स के बारे में सेशन होता है। तो ये पूरे सेशन 4 दिन में अलग अलग सेशंस होते हैं, जिसका मेन उद्देश्य रहता है कि लोगों को उनके सेहत का ख्याल रखना खुद आना चाहिए और घर जाके वो उतने एम्पावर हो जाए कि खुद का ध्यान, खुद के फैमिली के सेहत की जिम्मेदारी खुद ले पाए। कोई भी दवा नहीं ले रहे हम लोग 1 साल से। इधर जो सिखाया है वही खाना खाते हैं, वही रूटीन पालते हैं। जो टैबलेट चालू रहते हैं वो भी ये लोग बंद करते हैं, थोड़ा डर लगता है शुरुआत में, लेकिन मेरा स्टडी है। कैसे बंद करते हैं? मतलब वो नहीं लेने के लिए कहते हैं। और क्या करने के लिए कहते हैं? वो पूरा नेचुरल उनका जो प्रोग्राम से व्यायाम है, ध्यान है, डाइट, सबसे ज्यादा जोर उनका है शुद्ध हवा और अन्न। अन्न जो है वो अन्न के बारे में बहुत ज्यादा उनका स्टडी है। खाली जैसे यहाँ आए, जब उन्होंने बोल दिया भाई दवाइयाँ बंद करके रख दो, फिर हम पहाड़ी पे गए घूमने को, नीचे लेक पे गए, अलग अलग जो वातावरण है और जो पॉजिटिव माइंड के साथ में यहाँ रहे ना, और हर एक चीज़ सीखने को मिली। मेरी वाइफ मेरे साथ में थी, क्या वो ऑर्गेनिक खाना बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, हर एक चीज़ को कैसे शुद्ध घी में और इसमें बनाया जाता है,
ये बहुत सारी चीज़ें 90% चीज़ें हमारे लिए नई थी। तो हम यहाँ पे, मेरे यहाँ सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम है, सोलर वाटर हीटर्स है, एक विंड मिल भी था लेकिन पिछले सीजन में लाइटनिंग की वजह से गिर गई, बट लेट अपार्ट हम प्रयोग करते रहते हैं। और हम कि सूरज भगवान की ऊर्जा जितने नज़दीक से इस्तेमाल करोगे उतना आपको बेनिफिशियल रहेगा, ये जानते हैं। निसर्ग में आने के बाद काफ़ी सारे इंसाइट्स आने लगते हैं। तो अभी ये ज्ञान मुझे तो हुआ, बट ये बहुत गलत होगा यदि कुछ अच्छा ज्ञान आपको मिल रहा है और आप उसको न बांटें, इसलिए मैंने बांटना चालू कर दिया।